IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज मंगलवार यानी 24 सितंबर को कंपनी के शेयर 12% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल सरकार पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग को लागू करने की योजना बना रही है। इस खबर को देश के सबसे बड़े पावर एक्सचेंज IEX के कारोबार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद से शेयर में ये बड़ी गिरावट आई है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। अब सवाल उठता है कि मार्केट कपलिंग क्या है, क्यों सरकार के पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग लागू करने की प्लानिंग का असर शेयर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल मौजूदा समय में अलग अलग एक्सचेंज में अलग अलग बाई और सेल के ऑर्डर होते हैं। हर एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी अलग होती है। इसमें पावर टैरिफ तय करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अभी फिलहाल 3 पावर एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी की संख्या 288 तक है। अब सभी एक्सचेंज पर बाई और सेल के सभी ऑर्डर को MCO के जरिए एक साथ मिलाया जाएगा। MCO यानी मार्केट कपलिंग ऑपरेटर, हर बीडिंग जोन के लिए एक कीमत तय की जाएगी। MCO ही हर बीडिंग जोन के लिए एक कीमत फिक्स करेगा। इसके फायदों की बात करें तो डीकपलिंग से पावर की प्राइस डिस्कवरी में समानता आएगी, ट्रांसमिशन लाइन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग पावर एक्सचेंज में हो सकेगी, पीक आवर में बिजली सस्ती मिलेगी। कपलिंग को लेकर पावर मिनिस्ट्री ने CERC को प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है। इसको लेकर पावर मार्केट रेगुलेशन 2021 में जरूरी प्रावधान किए जा चुके हैं। इसको लेकर अंतिम गाइडलाइन संबंधित लोगों से सलाह मशवरा के बाद जारी होगी। अब बात करते हैं कि मार्केट कपलिंग का IEX से क्या नाता है, क्यों IEX के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। असल में अभी पावर ट्रेडिंग का 90% हिस्सा IEX के जरिए ही होता है। ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंजों पर ना के बराबर होती है। कपलिंग आने के बाद एक्सचेंज पर ज़्यादा बिजली की ट्रेडिंग हो सकेगी। इससे दूसरे एक्सचेंज का भी कारोबार बढ़ेगा, नए पावर एक्सचेंज भी खुलने का अवसर पैदा होगा, यानी कि एक तरह से IEX का दबदबा कम होगा। आसान शब्दों में कहें तो अभी तक पावर में एकाधिकार बनाए रखने वाली IEX का वर्चस्व कम हो जाएगा। बस इसी वजह से IEX के शेयर पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आज IEX का शेयर सुबह 240.50 के भाव पर खुला था, लेकिन कुछ देर बाद इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर शाम को 11% से ज़्यादा लुढ़क कर 211.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। शेयर अपने 52 वीक के हाई 244.40 रुपये से काफ़ी नीचे आ गया है। कुल मिलाकर सरकार की पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग को लागू करने की योजना का सीधा असर IEX के शेयर पर देखने को मिल रहा है। शेयर में आज बड़ी गिरावट देखी गई है। क्या आगे भी स्टॉक में गिरावट जारी रहेगी, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या आपने IEX के शेयर में निवेश किया हुआ है? आपकी सरकार की इस प्लानिंग के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।